ये आधा काम बीच में छोड़ गए। आगे होंगी बारिशें, बारिशों में बहुत दिक्कत हो जाती है और यहाँ नालियों का निकास भी नहीं है, पानी भर जाता है, सब्जी खराब होती है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ धूल उड़ती है, कस्टमर नहीं लेता। कंप्लेंट कई बार की है पर कोई सुनता नहीं। साल 2017 से उत्तर प्रदेश में सीवर लाइन कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। अगर बात करें बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में भी सीवर लाइन कार्य करीब करीब निमट ही गया है। अगर बात करें मोहल्लों की तो मोहल्लों के अंदर भी सीवर लाइन कार्य हो चुका है। इस वक्त टाइम 24 न्यूज़ की टीम मौजूद है सब्जी मंडी लाल तालाब में। आपको सहयोगी से कहूँगा इस सड़क को दिखाएं। इस ये सड़क सीवर लाइन बनने के बाद डलने के बाद अभी तक 6 महीने से अपने बदहाली के आंसू रो रही है। जबकि यहाँ पर दुकानदारों से हमने बात की, बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने अपना दर्द कुछ इस तरह कैमरे में बयान किया। अब सभी यहाँ पर दुकानदारों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद शावेज। अमिताभ, ये बताइए कब से ये सड़क का सीवर लाइन डला था और कब से ये बनी नहीं है? इसको तकरीबन 8 महीने हो गए। ये नवंबर दिसंबर से काम चल रहा है और जो है आधा काम तो रुक चुका है बीच में, और ये आधा काम बीच में छोड़ गए। इसकी कंप्लेंट डाल दी गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आला अधिकारी भी पहुँचे हैं और CM ऑफिस यहाँ पर लखनऊ, वहाँ भी कंप्लेंट डाली है इसकी 10 सेक्टर पे, और यहाँ पर रोड़ी पड़ी है। और आगे होंगी बारिशें, बारिशों में बहुत दिक्कत हो जाती है, खींच गार और निकलने वाले वालों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि ये एक मोहल्ला है, सब्जी मंडी मोहल्ला है। यहाँ पर सब्जी लेते हैं औरतें, बच्चे, लेडीज़, और देखें आप रोड़ी बिछी पड़ी है, वाहन गुजरते हैं तो रोड़ी बहुत तेज़ी से लगती है, तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये नाले भी खुले पड़े हैं यहाँ पर, नाले भी खुले पड़े हैं। जी नाले भी खुले पड़े हैं और बच्चे खेलते हैं यहाँ पर सारे। यहाँ पे मैं उसे कहूँगा एक बार इसको दिखा दें, देखिए किस तरीके से यहाँ पर धूल जमी हुई है। इस पर ये पनीर है, ये पनीर का यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पर ये इसकी धूल जमी हुई है और इसका बुरा हाल है। और जबकि ये इनका ये भी कहना है कि बराबर में ये नाले हैं उनकी भी वो खुली हुई है। और एक बात ये भी कही थी, अच्छा इस कूड़े को लेकर क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ कूड़े का तो बहुत बार कंप्लेंट हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। कूड़े के लिए जगह भी दी है, अंदर जगह दी है चर्च वालों ने, अपनी पर्सनल जगह दी है, प्राइवेट जगह, फिर भी कूड़ा यहीं पड़ता है। आप प्राइवेट जगह कूड़े के लिए देखिए स्पेशली, लेकिन ये भी समस्या अभी तक हल नहीं हुई। बहुत समस्या आई है लाल तालाब पर, और यहाँ नालियों का निकास भी नहीं है, पानी भर जाता है, नालियों का निकास नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं निकलता, तो ये हैं दुकानदार जो अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बात करेंगे, समझेंगे कि उनको किस किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम जावेद है। तो अब ये बताइए आपका ये सीवर का खुदाई हो गई थी, डल भी गया, पाइपलाइन कब से नहीं बनी है? ये तो काफ़ी कम से कम 6-7 महीने हो गए करीब। क्या दिक्कत कर आ रही है यहाँ पे? ये धूल उड़ती है सब्जी पर धूल आती है उड़कर, सब्जी खराब होती है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ धूल उड़ती है, कस्टमर नहीं लेता। कई सब्जी ऐसी भी होंगी जो धूल लगने से ख़राब हो जाती है? हाँ, बहुत सब्जी ऐसी है जो धूल से, सब्जी धनिया है जैसे कच्चे आइटम है। अच्छा, कभी ऐसा किया है कि इसकी कंप्लेंट की हो आपने? कंप्लेंट कई बार की है पर कोई सुनता नहीं, सुनवाई नहीं नहीं। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, एक ये फल वाले हैं, इनसे और बात कर लेंगे, इनसे और समझेंगे। यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इधर इनके पास चलते हैं। ज़रा थोड़ा सा मास्क ऊपर कर लीजिए चाचा। क्या नाम है? हमारा दासगर नाम है। ये जो आपकी सड़क है सीवर लाइन कार्य जो है इस पर हो चुका है, बनी नहीं है, क्या दिक्कत है सामने करना? बहुत परेशानी है सब साथ, तो हम हमारे धूल उड़ के आती है इस पर फल पर, इस पर धूल जम जाती है, साफ करते करते परेशान होता है, ग्राहकों को भी अच्छा ना लगता है जब धूल इसको बढ़ाती है, वो छोड़ कर चले जाता है, इस पर तो मिट्टी जम रही तुम्हारे इसके फल पे, अब इससे हमें बहुत परेशान होते हैं, हमारी दुकानदारी हल्की रहती है इस बात को देखते हुए। अब फिलहाल जो है हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या गुहार लगाना? ये चाह रहे हैं कि हमारी सड़क जल्दी से बननी चाहिए, हमारी परेशानी जो हमारी दूर हो गए, हम तो ये चाहेंगे। तो ये हैं मार्केट के लोग जो अपने दर्द को बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे फल रखे रहते हैं, धूल लगने के कारण वो फल सारे बेकार हो जाते हैं और सब्जियाँ भी बेकार हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये आला अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, बताई जा रही है। अब इस खबर को प्रमुखता से चलाने के बाद देखना ये होगा कि आला अधिकारियों के कान पर जू रेंगती है या नहीं। कैमरा पर्सन शुएब और अपने सहयोगी जीशान के साथ मैं याह्या खान, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।